एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। अंतरिम आदेश में तीनों कृषि कानून पर फिलहाल उसके अमल पर रोक लगा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वकील एपी सिंह, जो कि एक किसान संगठन की तरफ से पेश हो रहे थे। एपी सिंह साहब, आप लोग ये कह रहे थे कि इस किसान जो है कानून पर रोक लगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए अमल पर रोक लगा दी है, आप संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये देश के किसानों की जीत है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों की जीत है। और ये जीत उन, क्योंकि आंदोलन किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है। ये किसान का आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है। ये किसान आंदोलन सभी लोगों का है। जो किसानों का उपज खाते हैं उनका भी आंदोलन है। लोग समझ रहे हैं बॉर्डर पे बैठे वही किसान है। अरे, दिल्ली के एसी भवन में जो बैठे दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और मालपुआ खा रहे हैं, उनका भी आंदोलन है। लेकिन सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, कमेटी का गठन कर दिया है। आप एक किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर आए थे, उनको रिप्रेजेंट करते हुए, अब क्या बातचीत की टेबल पर जाएंगे? जो हम लोगों ने, हमने पिटीशन फाइल की थी, भारतीय किसानों, भानु भारतीय किसानों, लोक शक्ति जो हरियाणा का संगठन है, भानु उत्तर प्रदेश का संगठन है, जो डिफरेंट बॉर्डर्स पर अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ लगातार इतने दिन से बैठे हैं, जब हमने कहा 65 मौतें हो चुकी हैं तो कितनी और मौतें चाहिए, तो इसके बाद ये मामला बढ़ा आगे। अटॉर्नी जनरल इसका कोई जवाब नहीं देना चाह रहे थे। दो दिन की मैराथन बहस हुई, कल भी हुई, आप तो बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, आज भी हुई, आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कितना टाइम दिया। और उसके बाद पूरा समझा कि कहीं ना कहीं, देखिए पहली बार ऐसा हुआ मैं समझता हूं कि भारत सरकार के बनाए हुए कानून को, जो उन्होंने जल्दबाजी में बनाया, आनन फानन में बनाया, बिना किसानों की सहमति के बनाया, बिना किसान संगठनों की राय के बनाया, और उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। कानून के अमल पर रोक लगाई है, कानून पर नहीं। कानून के अमल, और कानून के अमल ही तो होता है, और कानून क्या होता है? कानून का अमल ही करना तो रोक होता है, उस पर रोक लगा दी है। अमल नहीं होगा कानून, जैसा मध्य प्रदेश में सरकार ने कहा था कि हम कानून लागू करने जा रहे हैं, इससे विसंगति फैलती, इससे हिंसा होती, इससे अशांति होती। इसलिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने आज हम लोगों की पिटीशन और तमाम दलीलों बहसों को सुनने के बाद उस पर, कानून पर रोक लगा दी है। और दूसरी बात, सारे देश के किसान संगठन एक हैं, और जो कमेटी गठित करने की बात कही है, हमने उसमें कुछ नाम सुझाए, जैसे जस्टिस मार्कंडे काटजू, जस्टिस कुरियन जोसफ जो रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम सुझाए। और साथ में ये भी सुझाव दिया है कि जितने भी किसान संगठन हैं, 400 हो, 500 हो, 600 हो, उन सभी के प्रतिनिधियों को बुलाइए, उनसे बात कीजिए, कमेटी में उन्हें मेंबर रखिए, शामिल कीजिए। ये किसी एक ग्रुप का नहीं आंदोलन, ये देश के किसानों का आंदोलन। तो उस कमेटी के सामने क्या किसान संगठन जाएंगे? क्योंकि जो बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता हैं, जो किसान हैं, उनका ये कहना है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ठीक नहीं लग रहा है, कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्या आप ये भरोसा देते हैं कि सभी जाएंगे? कमेटी के पास वो नहीं जाएंगे। वो क्यों जाएं? वो तो किसान है, वो क्यों जाएं? कमेटी उनके पास जाएगी, कमेटी किसानों के पास जाएगी। कमेटी किसानों के लिए बनी है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बनी है? सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी है कमेटी को कि किसानों से मिलो, किसानों से जाओ, किसानों से बात करो, उनकी बातों को देखो। बात करेंगे किसान संगठन, बात करेंगे। हमने ये भी कहा कि 65 जो मौतें हो चुकी हैं उनके परिवार वालों से भी कमेटी बात करे। वो लोग बात करेंगे, किसान संगठन बात रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, शंकाएं दूर करेंगे। क्यों शंका हो रही है आपको? वो दूर करेंगे। 8 बार वार्ता की है ना हमारे संगठनों ने, भारत सरकार से ही तो वार्ता की है। भारत सरकार से बड़ी तो सुप्रीम कोर्ट है ना। जब सुप्रीम, भारत सरकार से बात कर ली तो सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मानेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके सामने किसान संगठन जाएंगे, आप ये भरोसा दे रहे हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में किसान संगठन ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमको ये नहीं जाएंगे। वो 8 बार जा चुके हैं, 15 तारीख को नवी बार है, हो सकता है 9 दिन का नवरात्रा होता, हो सकता है नवी बार अब कुछ करिश्मा हो जाए, भारत सरकार को लगे कि अब तक भारत सरकार कह रही थी किसान जो कानून है ये बिल्कुल सही है, ये अनपढ़ गंवार किसान देहाती हैं, ये क्या जाने कानून पढ़ना, ऐसा कहा जाता था, आप लोगों के माध्यम से पता चला। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि एक अनपढ़ किसान, अब देश की सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये कानून रोको, नहीं लागू होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। और तमाम दलीलें भारत सरकार ने दी, इस वजह से रोक लगाई गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है हम इस पर जो है लंबी अवधि के लिए नहीं लेकिन एक अवधि के लिए रोक लगा रहे हैं जिससे कि बातचीत शुरू हो। तो क्या इस आदेश के बाद में बातचीत शुरू होगी? हाँ, बातचीत, कमेटी बनेगी, कमेटी के लोग किसानों के पास जाएंगे, गांव-गांव जाना पड़े, गांव जाएं, यही थोड़ी दिल्ली में ही जाएं, गुवाहाटी भी जाएं, चौपाटी भी जाएं, कन्याकुमारी भी जाएं, कश्मीर भी जाएं, सब किसानों से बात करें, उनकी रिपोर्ट लें, जीरो ग्राउंड पे बात करें, आप लोगों के सामने बात करें, आपको साथ ले जाएं, आप तो बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, जहां तहां तह में सब पहुंच जाते हैं,
चीज के, तो वहाँ से आप उनकी बात को उठा के लाएं और अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाएं। लेकिन सबके बीच में अब सवाल ये भी है कि 26 तारीख को किसान अभी भी है लगातार यही कह रहे हैं जो बॉर्डर पर किसान है, जब हम लोग बात करें कि 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली अभी भी निकालेंगे, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट भी उसको लेकर चिंता जाहिर कर रही है। 26 जनवरी किसकी? इस देश के लोगों की। 26 जनवरी किसी बाप की? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। लेकिन तो क्या 26 तारीख को अभी भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, आप ये कह रहे हैं? अरे ट्रैक्टर रैली पे ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर का टाइम बम है क्या? ट्रैक्टर बम का गोला, ट्रैक्टर वही है जो हजारों की संख्या में वो के लाता है, खेती जोतता है, खेत लेके जाता है और चीनी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चीनी पहुंचाता है, सब कुछ पहुंचाता है, ट्रैक्टर वही तो है। अगर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है राजपथ पर आएंगे तो उसे देश के छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा? बात की छवि देश की, जहाँ पर छवि पर नुकसान नहीं हो रहा, 65 लोगों की मौत हो चुकी है, ये देश की छवि नहीं है? ये दुनिया में 65 लोकतांत्रिक देश है, ये डेमोक्रेटिक देश है, 65 लोगों की मौत हो चुकी है, कौन उनका हर्जाना देगा? दिल्ली सरकार देगी? भारत सरकार देगी? कितनों के भाइयों बुजुर्ग गए, कितनों ने सुसाइड कर लिया? अरे आप मरते हुए देखना चाहते हैं लोगों को? कोर्ट के इस आदेश का क्या नतीजा है? लगता है कि मामला सुलझेगा, जो बातचीत अभी तक गतिरोध बना हुआ था वो सुलझ जाएगा? मैंने माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है? अगर दिया जला है तो उसकी रोशनी लो ना, उसकी रोशनी लेके आगे बैठो। दिया जलाना कहाँ मना है, दिया जला है तो उसकी रोशनी लो, आगे बातचीत बढ़ाओ, तो ये कहना है वकील ए पी सिंह का, जो कि भारतीय किसान संघ भानु के तरफ से जो पेश हो रहे थे। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बातचीत का एक रास्ता जरूर खुला है, कमेटी उन लोगों के पास में जाए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सुने जा करके। उम्मीद जरूर की जा रही है कि बातचीत शुरू होगी, लेकिन कोर्ट में जो वकील जो दलीलें रख रहे हैं, क्या किसान उनसे भी इत्तेफाक रखेंगे, उनको मानेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।